बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक कपल की 8 साल बाद फिर से होने वाली है एंट्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के स्वीट कपल ऐश्वर्या और अभिषेक की, जिन्हें ऑन स्क्रीन देखने के लिए उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है जनाब। दरअसल हाल ही में खबरें आई हैं कि ऐश और अभिषेक अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाब जामुन में एक साथ नजर आने वाले हैं। दरअसल इस फिल्म को ऐश ने रिजेक्ट कर दिया था और वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कराना चाहती थी, लेकिन अगर खबरों की माने तो उनके ना करने का रीजन कुछ और ही था। लेकिन अब रिपोर्ट्स में आई खबरों के मुताबिक उनका कहना है कि शी इज सेड टू बी लुकिंग टू पेयर विद अदर एक्टर्स हु शी हैज नॉट वर्क विद टिल नाउ। वैसे इससे पहले दोनों कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और आखिरी बार इन्हें फिल्म रावण में देखा गया था। वहीं अगर बात करें ऐश के प्रोफेशनल फ्रंट की तो आपको बता दें कि इन दिनों वो फिल्म फन्ने खान के प्रमोशन में काफी बिजी चल रही हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में वो अनिल कपूर और राजकुमार राव के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी। वहीं अभिषेक जल्द ही अनुराग कश्यप की फिल्म मनमर्जिया में तापसी पन्नू के साथ नजर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऐश और अभी की जोड़ी को बड़े पर्दे पे एक बार फिर देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।